अगर DSLR की बात करें तो वो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी दोनों के लिए बहुत ही बेस्ट होता है, जैसा कि कैनन का, निकॉन का भी अच्छा होता है, लेकिन जो भी यूट्यूबर्स होते हैं वो कैनन का ज़्यादा पसंद करते हैं। और अगर शुरुआती कैमरे की बात करें तो 200D से शुरुआत करें तो काफ़ी अच्छा रहता है। बट मैंने एक छोटा कैमकॉर्डर लिया है, ये आप देख सकते हैं, और फोटोग्राफी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, बट इसकी वीडियो क्वालिटी थोड़ी ठीक होती है, अच्छी होती है। लेकिन इसके मुकाबले जैसा कि मैंने बताया DSLR का, उसका जो सेंसर साइज होता है बहुत ही बड़ा होता है और इसका सेंसर साइज बहुत कम है। लेकिन इससे आज मैं वीडियो शूट करूँगा, मैंने लिया है वीडियो शूट करने के लिए स्पेशली इसको। कहीं भी जाता हूँ तो यात्रा या आयोजन को शूट करता हूँ तो काफ़ी दिक्कत होती थी, इसलिए मैंने ये कैमरा लिया है। तो इसका जूम टेस्ट और इसकी जो वीडियोग्राफी है, वीडियो क्वालिटी है, ये सब टेस्ट करेंगे आज। तो अभी देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलते हैं, देखते हैं कैसा है इसका वीडियो क्वालिटी। तो मैंने कर लिया है कैमरे का सेटअप, और ये पैनासोनिक 270 है और 19x जूम करता है। जूम, इसकी जो जूम क्वालिटी है, जूम पावर है, इसको देखेंगे और कैसा इसका वीडियो रहता है इसको देखेंगे। तो मैंने ट्राईपॉड पे इसको सेट कर दिया है यहाँ पे, और वीडियो शूट करने आया हूँ घर से थोड़ी ही दूर पर, और देखते हैं इसकी क्वालिटी। ज़्यादा वीडियो में इसका इस्तेमाल नहीं करूँगा, बट कुछ ऐसे वीडियो होते हैं, कुछ ऐसे लोकेशन होते हैं जिसमें इस कैमरे का इस्तेमाल किया जाता है और इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो वीडियो ये आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।